हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है 8th मार्च 2020 में। ये एग्ज़ाम आप लोग का पीएससी का मिसलेनियस का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो इसी के रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 करा दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल में विजिट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वो जो 3 वीडियो प्रोवाइड किए आप लोग देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूँ। प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज़, ये तब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बट आप लोग का अभी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। अभी आप लोग के अशरफ घानी जी होंगे। तो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के अभी अशरफ घानी। द नेक्स्ट है करंट प्रेसिडेंट ऑफ द करंट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जरदारी इज़ द लेट बेनाजीर भुट्टो। बेनाजीर भुट्टो के वो हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिए ए बी सी कैसे करके होगा। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट आप लोग के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आरिफ अलवी जी हैं। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कैंटर रिलेटेड टू द एनिमल। ये कैंटर क्या है, जिसके ऊपर जॉकी यानी कि घोड़े के ऊपर एक जॉकी लोग बैठे रहते हैं, वो लोग घोड़े को धीरे 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 जब वो स्टेप बाय स्टेप दौड़ाते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं धीरे से दौड़ाते हैं, उसे हम कैंटरिंग बोलते हैं। तो ये हॉर्स से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है, ये जितने भी आप लोग का मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बोल दूंगा। ये तो पीडीएफ जो है आप लोग का डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो पीडीएफ मैं दे ही देता हूँ हर क्वेश्चन का, तो ये भी आप लोग को मिल जाएगा। तो उसमें जस्ट आंसर आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब आप लोग को अगर सॉल्यूशन चाहिए मैथ्स के, तो मैं आप लोग को अलग सा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मेरे को कमेंट में बोल दीजिएगा आप लोग को जो चाहिए। तो फोर्थ का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 3/11। देन नेक्स्ट है टाइगर वुड्स कौन से खेल से रिलेटेड है। ये गोल्फ के चैंपियन है और वर्ल्ड फेमस, अगर नंबर वन बोलेंगे तो इनको ही बोला जाता है, गोल्फ के चैंपियन है ये। देन उषा गांगुली इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये उषा गांगुली क्या है, ये स्टेज एक्टिंग के लिए फेमस है, ऑप्शन थ्री थिएटर्स के लिए फेमस है। देन मेन पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, गुरुदेव की इन्हें बोला जाता है, आप लोगों को पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। देन नेक्स्ट है 8 डनकन पैसेज लाइज, ये कहाँ पे लाइज करता है, ये साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के सेंटर को हम लोग जो एकदम काटता है उसे डनकन पैसेज बोलते हैं। जैसे हम लोग का अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे पूरे अंडमान्स हैं, देन नीचे है आप लोग का निकोबार। ये जो हाफ काटता है ये आप लोग का 10 डिग्री चैनल होता है, बट ये जो होता है आप लोग का लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इसको अगर काटेगा तो ये आप लोग का डनकन पैसेज हो जाएगा। देन नेक्स्ट है मरुस्थली कहाँ पे है, हम राजस्थान में मरुस्थली को बोलते हैं। देन उशान बोल्ट एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर यानी कि जो फास्ट दौड़ते हैं 100 मीटर 200 मीटर, इन्हें स्प्रिंटर्स बोलते हैं। तो इनका रिकॉर्ड है अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं, 9.56 सेकंड्स है इन्होंने 100 मीटर दौड़ा हुआ है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देन नेक्स्ट 11 विच ऑफ द पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द मेन आउटलेट फॉर टी एक्सपोर्ट। टी प्रोडक्शन नहीं बोला है, टी प्रोडक्शन अगर बोलता तो वेस्ट बंगाल होता, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट बोला है, तो एक्सपोर्ट के लिए कोची फेमस है और कोची में आप लोगों का केरला में है। देन 12 द इंडियन पेनिनसुला इज़ गेटिंग नैरो एंड नैरोड लूजिंग इट्सेल्फ इनटू, ये नैरो क्या लूज़ कर रहा है, ये कन्याकुमारी सबसे ला एंडिंग पोजीशन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लास्ट एकदम कन्याकुमारी है। उसके बाद जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड सन रिवॉल्व अराउंड राउंड द अर्थ फ्रॉम, ये कैसे राउंड करते हैं, जैसे अर्थ हम लोग का घूमता है वैसे ये राउंड करता है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट हम लोग का मूव करता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है आप लोग का एकदम अर्थ के ऊपर होता है, 36,000 किलोमीटर्स ऊपर होता है, ये थोड़ा सा जान के रखिएगा। देन नेक्स्ट है 14 में आप लोग को जस्ट मैचअप करना था, तो ये मैचअप में आप लोग को जस्ट बता दूँ सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये थोड़ा सा आप लोग मैच कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट डेविड हेडली इज नेम ऑफ, डेविड हेडली कौन है, ये टेररिस्ट थे और मुंबई में जो 2008 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके ये कल्प्रिट थे, तो डेविड हेडली यहाँ पे टेररिस्ट हो जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप जो 2020 में हेल्ड हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था, जोनासबर्ग में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछेंगे अभी का, तो 2000 एंड
2022 में जो नेक्स्ट होगा ये कतर में होगा, ये थोड़ा सा जानकारी रखिए। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होगा और ओलंपिक्स आप लोग का रियो टोक्यो में होगा। देन नेक्स्ट है 17 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा यानी कि 26। देन 18 यहाँ पे ए ट्रेन अप्रोचेज टूवर्ड्स ए स्टेशन ब्लोइंग विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़, व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ द विसल रिसीव्ड बाय द लिसनर स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म में जो है उसे कैसा साउंड सुनाई देगा, वो उसे 1000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा सुनने में आएगा क्योंकि वो आप लोग का बढ़ जाता है, तो ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ये मीथेन हम लोग का ग्रीन हाउस गैस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, CH4 जिसे हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट इसे मार्स गैस भी हम लोग बोलते हैं मीथेन को। देन 20th मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि वेडनेसडे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 21st यहाँ पे हाइब्रिड टॉल ए टी प्लांट, ये जो है आप लोग का, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में भी आए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी स्टूडेंट जो लोग हैं उन लोग को समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन जो दिखा रहा है ऑल टॉल प्लांट्स होगा। देन नेक्स्ट 22 मैथ्स का क्वेश्चन है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5500। देन डॉन बोलेगर इज ए क्रिकेटर फ्रॉम, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, ये चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते थे। देन सेल वॉल इज फाउंड इन, ये बैक्टीरिया और प्लांट में दोनों में मिलता है, तो बोथ प्लांट्स एंड बैक्टीरियल सेल में दोनों में मिलता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। देन टी इज़ एसोसिएटेड विद द गेम, ये टी जो है आप लोगों को गोल्फ जो बॉल होता है, बॉल के नीचे एक वाइट कलर का एक ग्राउंड में लगा रहता है, इसे हम लोग टी बोलते हैं, तो गोल्फ से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन इन ए डेट्रीटियस फूड चेन इंसेक्ट लार्वा एंड नेमेटोड्स एक्ट्स एज, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर द इवोल्यूशनरी थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, ये लामार्क ने प्रपोज किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 28 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आप लोगों का 1022 हो जाएगा। देन 29 अगेन ऑप्शन 4 हो जाएगा 900। 30 ऑप्शन ए 750 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 31 अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए 4 20 ईयर्स। 32 यहाँ पे आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा 59 1/3 मिनट्स पास 10 पीएम हो जाएगा। देन नेक्स्ट है न्यू मेटाफोर्स होते क्या हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो पानी में पेड़ उगते हैं तो उन पेड़ के जो जड़ होते हैं उनको तो सांस लेना चाहिए पड़ता है, तो वो सांस लेने के लिए पेड़ के जो जड़ होते हैं पानी से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि एरियल रूट्स होते हैं। तो वो एरियल रूट्स आप लोगों को कहाँ पे, मैनग्रोव में मिलेगा, आप लोग देखिएगा सुंदरी जो ट्री होगा, सुंदरी ट्री के जो जड़ होते हैं ऊपर होते हैं, मिट्टी से ऊपर उठे हुए होते हैं, उन्हें हम लोग न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर 2 मैनग्रोव प्लांट्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट 34 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है 3600। देन 35 अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी कि 42। एंड 36 ऑप्शन 4 हो जाएगा 342। देन नेक्स्ट है यहाँ पे विच टिश्यू ट्रांसफर्स फूड प्रोडक्शन बाय द लीव्स इन प्लांट, फूड का अगर बोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो वो आप लोग का फ्लोएम होगा, और यहाँ पे अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो आप लोग का जाइलम होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए इन एन इलेक्शन, ये इलेक्शन का क्वेश्चन आप लोग का मैथ्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 4 6000। देन 39 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा 48 किलोमीटर्स पर आवर। देन 40 वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग वर्ल्ड का बुर्ज खलीफा है जो आप लोग का दुबई में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। देन 1/3 ऑफ ए टावर इज पेंटेड ब्लैक, अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये 120 फुट करेक्ट है, ऑप्शन डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया, ओल्डेस्ट रॉक अगर पूछेंगे तो अरावलीज जिसे बोलते हैं राजस्थान में है, तो अरावलीज हम लोग के ओल्डेस्ट माउंटेन्स बोले जाते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन हम लोग का जो होता है वो ब्लैक रेगुलर सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है गुजरात के साइड में. तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सेकेंड, रेगुलर सॉइल, एंड इसे ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट है 44. उत्पल दत्ता हैज़ ए रेपुटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. उत्पल दत्ता क्या ये ड्रामा से एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ड्रामा. देन ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये खुशवंत सिंह ने लिखा था. ऑप्शन ए करेक्ट है. तो खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखा था. देन नेक्स्ट है 46. हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर 1941. सिंगापुर में 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने फॉर्म किया था. देन नेक्स्ट है, अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें आंसर आप लोगों का ऑप्शन थ्री यानी कि फोर हो जाएगा. देन वार एंड पीस किसने लिखा था? ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था. गांधी जी इनके ही बुक्स पढ़ा करते थे, इन्हें ही फॉलो किया करते थे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थ्री है, लियो टॉल्स्टॉय. देन उस्ताद विलायत खान इज एसोसिएटेड विद, उस्ताद विलायत खान आप लोग के इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक बजाते हैं, यानी कि आप लोग अगर पूछेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं, तो ये थोड़ा सा जान के रखिएगा. और जितने भी आप लोग के ये सब उस्ताद हैं जैन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सब कुछ है, आप लोग का अलग से मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, तो उसमें सब कलेक्ट करके आप लोग के बना रहा हूँ. तो एक दो दिन मुझको टाइम दीजिए आप लोग को, संडे तक मैं अच्छा एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे. देन नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द ऑथर ऑफ, उन्होंने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था. देन नेक्स्ट 51. टू अप होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर आता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है. ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा. फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हम जियोर्ज चौचर को बोलते हैं, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है यानी कि डी करेक्ट है. देन ए ड्रॉप ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू ए कलरलेस लिक्विड बट नो चेंज इन कलर टेक्स प्लेस द लिक्विड देयरफॉर इज, जो लिक्विड है उसमें कलर अगर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिडिक होगा, अगर चेंज होता तो बेसिक हम लोग बोलते हैं. देन नेक्स्ट है 54, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन, ऑप्शन 87 सेकंड करेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट है 55. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट सिस्टम को बोलते हैं वो कॉकरोच का हम लोग का ओपन सिस्टम होता है. मैथ्स का क्वेश्चन 56, यहाँ पे ऑप्शन 4 13 करेक्ट हो जाएगा. देन अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आप लोग को पता ही है, कौटिल्य ने लिखा था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है. देन नेक्स्ट यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अगर उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो उन्हें हम इम्प्रीज कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा. देन 59. द डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ये कॉन्स्टेंट होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है. देन एलिमेंट इन ग्रुप जीरो जो बोलते हैं, पीरियडिक टेबल जो है आप लोगों को, ग्रुप जीरो में जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नोबल गैस बोलते हैं, या आप लोग इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 नोबल गैस हो जाएगा. 61 में अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. देन नेक्स्ट है 62. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा एक होता है, राज्यसभा एक होता है, तो टोटल 3 चीज़ मिलके इंडियन पार्लियामेंट बनता है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. देन 63. हु रोट द बुक गांधी एंड स्टालिन. स्टालिन एंड गांधी जो एक बुक लिखा था ये लियो फ्रेजर्स ने लिखा था. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. देन मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने जब सॉल्व किया तो पीछे भी वही आंसर दिखा रहा, तो यहाँ पे आप लोग का सोल्यूशन में कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आप लोग का अगर जब सॉल्व करोगे तो ये सोल्यूशन आप लोग का 10 1/3 आवर्स आएगा करेक्ट आंसर, तो ये ना थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है. देन नेक्स्ट है अगेन 65 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. देन 66. ए क्लोज्ड वेसल फिल्ड विद गैस इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद सर्टेन एक्सीलरेशन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस विद इन द कंटेनर. अगर हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे तो कंटेनर में हर जगह में सेम आप लोग का जो प्रेशर है, एक्सेलरेशन जो भी बोलोगे, तो ये सेम रहेगा, सेम एवरीवेयर होगा. देन नेक्स्ट है आप लोग का 67. यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्ट आप लोग का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 540. देन
In December 2009, a conference on global climate change took place. ये कोपेनहेगन में हुआ था और कोपेनहेगन आप लोगों का ऑप्शन फोर में दिया हुआ है. ये तब का करंट अफेयर्स था तो अभी आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा ठीक तरह से मैच किया हुआ है आप लोगों को पता ही है. गुजरात का पोर्ट है कांडला, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा. मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं हम लोग. देन अपू कहाँ पे मिलता है हमें, ये अपू कोई चीज नहीं है फ्रेंड्स, ये पाथिर पंचाली जो लिखा गया था तो पाथिर पंचाली का एक कैरेक्टर का नाम अपू है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा. देन नेक्स्ट है 73 है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड फर्स्ट अट्रैक्ट्स एंड देन रिपल्स सबटेंडेड ऑब्जेक्ट. दिस सबटेंडेड ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ये अनचार्ज्ड है और इंसुलेटेड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा. द नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट हम किसे बोलते हैं, AlPO34 को बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट फॉस्फेट सॉरी. देन अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया को कैसे हम सुखा सकते हैं, ये क्विक लैम से सुखा सकते हैं. देन ओके 75 हु फाउंडेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल. इंडिपेंडेंट सुल्तान अगर बोलेंगे शमसुद्दीन या शाही होगा, इंडिपेंडेंट नवाब अगर पूछेंगे कोई और होगा, मीर जफर एंड मीर कासिम में दूसरे कोई एक, बट यहाँ पे सुल्तान बोला है तो इलियास शाही होंगे. द नेक्स्ट इंडियाज टॉप म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर विद द मोस्ट इंटरनेशनल अवार्ड. सबसे ज़्यादा अवार्ड इनको मिला है AR रहमान को, अल्लाह रखा रहमान को, इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है. देन नेक्स्ट है 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेगम अख्तर एसोसिएटेड. बेगम अख्तर क्या है, ये वोकल म्यूजिशियन है, एक्टिंग भी करती थी, बट यहाँ पे आप लोग एक्टिंग उतना मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन काम उनका वोकल म्यूजिक है और वोकल म्यूजिक में ये हिंदुस्तानी ठुमरी ये सब गाना गाती थी, तो यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वोकल म्यूजिक. देन 78 नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट नीडल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट व्हेन करंट इज पासिंग द मैग्नेट नीडल विच वॉज किप्ड फ्री एंड स्टैटिक. वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करेंट इन द वायर. हाँ यहाँ पर थोड़ा सा समझ के रखिए, ऐसे करके आप लोग का अगर रखा हुआ है ये नॉर्थ पोल है, ये आप लोग साउथ पोल, ये ईस्ट साइड में आप लोग का डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ये क्लॉक वाइज डिफ्लेक्शन होता है. अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर होता है और साउथ पोल यहाँ, तो ये वेस्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है. यहाँ पर ईस्ट साइड बोला है तो नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ. ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना साइंस के, मैं साइंस में कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो आप लोग को साइंस का अलग से क्लास बना दूं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. द नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है 79, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी 120 होगा. 80 का है ऑप्शन फोर 206 मीटर्स होंगे. देन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये किन्होंने बोला था, ये होम रूल लीग जब स्टार्ट किए थे 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये उन्होंने बोला था. ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा. रविशंकर ये क्या बजाते हैं, ये सितार प्लेयर हैं और ये इंडिया के सबसे पहले पर्सन हैं जिन्हें ग्रामी अवार्ड मिला था, तो ये रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद बोलते हैं हम इन्हें, ये सितार प्लेयर है. देन नेक्स्ट 83 यहाँ पे आंसर आप लोगों का थ्री हो जाएगा, 3/2. एंड पाकिस्तानी तालिबान लीडर बियातुल्ला मसूद वाज किल्ड बाई, ये तब का करेक्ट अफेयर्स था, ये ड्रोन से किल किया गया, मारा गया था उन्हें, तो करेक्ट आंसर ड्रोन हो जाएगा, ऑप्शन फोर. देन कॉपर रिड्यूसेस 1:1 HNO3 to, ये NO2 में रिड्यूस कर देता है. देन हु वाज वोमेन द वोमेन टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था जो गांधी जी ने आप लोग का लीड किया था, प्रेसिडेंट बने थे एकमात्र सेशन में, और उसके 1925 जो सेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था और यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने प्रिसाइड किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू. देन उदय शंकर इज फेमस फॉर, उदय शंकर डांस के लिए फेमस है, ये कोरियोग्राफर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डांसर. देन थ्री इडियट्स जो बुक है कौन से नोवेल से लिया गया, चेतन भगत के नोवेल से लिया गया, वो नोवेल का नाम था 5.1, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी चेतन भगत. देन नेक्स्ट है जिंदा पीर किसे बोलते हैं, ये जिंदा पीर औरंगजेब को बोला जाता है, ऑप्शन ए. देन द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाई, ये थोड़ा सा ध्यान के पढ़िएगा, प्रिसाइड अगर बोला है तो लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, अगर बोलेंगे कि समन यानी कि बुलाना, SUMMON जो बोलते हैं समन, तो लोकसभा एंड राज्यसभा को एक साथ अगर कोई बुला सकता है तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है बुलाने का, समन करने का, बट प्रिसाइड अगर बोलेंगे तो लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, ये करेक्ट होगा ऑप्शन फोर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज़ ए फिजिकल चेंज, इनमें से कौन से केस में फिजिकल चेंज होता है, प्लेटिनम वायर
जो हीट इज हीटेड इन बंसन फ्लेम, ये हम लोग का फिजिकल चेंज है एक तरह का. देन एनर्जी ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इज, जो एक बॉडी आप लोग का वर्टिकली यानी कि एकदम ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो तब एकदम एनर्जी क्या होगा उसका, लोएस्ट होगा उसका हाईएस्ट पॉइंट में. हाईएस्ट पॉइंट में सबसे ज़्यादा सबसे कम उसका एनर्जी होता है, और गिरने के जस्ट थोड़ा जैसे आप लोग का ग्राउंड में गिरेगा उसके जस्ट ऊपर जो होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होता है, ये थोड़ा सा जान के रखिए. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा. वो वॉज द जनरल ऑफ शेर शाह सूरी, जो सूरी डायनेस्टी फाउंड किया था, तो उनके जनरल ब्रह्मजीत कौर थे. यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दूँ. द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, तो प्रेसिडेंट और लोकसभा के लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे बोल देंगे प्रेसिडेंट एंड आप लोग का स्टेट का जो होता है इसके लिंक को कौन किसे बोला जाता है, ये गवर्नर को बोला जाता है उनके लिंक को. द नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अमीर खुसरो आप लोगों को पता ही है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के थे. तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो अमीर खुसरो थे वो क्या बजाते थे, तबला बजाते थे. तो पैरट ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला जाता है. देन चाइल्ड इन द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ. देन पंचायत इन वेस्ट बंगाल एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ, पंचायत कैसे टाइप का है, ये थ्री टीयर सिस्टम होता है आप लोगों को पता ही है. जो फर्स्ट टीयर होता है हम लोग उसे विलेज पंचायत बोलते हैं यानी कि ग्राम सभा बोलते हैं. देन जो सेकेंड टीयर होता है उसे हम जो फर्स्ट होता है उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, सेकेंड जो होता है पंचायत जिला परिषद बोलते हैं. देन नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों को गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत सबसे पहला होता है, देन पंचायत समिति सेकंड होता है, उसके बाद आप लोगों का जिला परिषद करेक्ट होता है. हाँ यहाँ पे ऑप्शन तो है, यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया था. तो यहाँ पे पंचायत ये वाला सही है, देन ये ऑप्शन फोर करेक्ट है तीन टीयर के. देन छातिमतला इज ए फेमस स्पॉट इन, छातिमतला आप लोगों को पता ही है विश्व भारती में है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी. देन सफदार हाशमी इज ए नेम एसोसिएटेड विद, सफदार हाशमी क्या था, ये ड्रामा के लिए फेमस थे, इन्होंने हल्ला बोल सबसे ज़्यादा इनका फेमस है, हल्ला बोल ड्रामा इन्होंने किया था. देन नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, इनमें से आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं क्योंकि करंट अफेयर्स में तब SS थे, बट अभी अगर पूछ लेंगे तो अजीत डोवाल जी होंगे, अजीत कुमार डोवाल हम लोग का अभी सिक्योरिटी एडवाइज़र है. तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा. अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये सब वीडियो ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके. तब तक के लिए ऐसी तरफ प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स. दैट्स ऑल, थैंक यू.